सो हेलो गाइज वेलकम टू यूट्यूब चैनल जूनियर क्लासेस आज का ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन के ऊपर है हम लोग चैप्टर अब हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास टेन को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ठीक है थीके? बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो बस छोटी सी वीडियो है चैप्टर का मतलब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन के ऊपर है कि इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले क्या क्या कैप्टर्स आने वाले कौन से बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं फ्रैंक इकोनॉमिक्स क्लास टेन यूज़ कर रहा हूँ ठीक है ये टू की वर्जन है जो कि मेरी बुक थी ठीक है तो प्लीज़ अगर कुछ मिस आउट हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में देख लियो ऐसा तो कुछ मिस होने वाला नहीं दिस इज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जब मैं आई लिए प्रिपेयर करा था तो इससे बहुत सारा पॉइंट्स मैच किया था सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल ओके सो प्लीज़ आप गो विद अस ठीक है हम लोग साथ चलिएगा एंड देन uh, इसमें चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले देखिए पहला चैप्टर डिमांड अगर कोई चैप्टर मिस भी होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा देन आई विल लुक कैन टू इट एज सुन एज पॉसिबल ठीक है आई देखते चैप्टर्स क्या क्या है पहला चैप्टर डिटर्मिनंट्स ऑफ मतलब डिमांड है लॉ ऑफ डिमांड डिटर्मिनंट्स ऑफ डिमांड है इसमें क्या 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 पार्ट है आप देखें मीनिंग ऑफ डिमांड डिटर्मिनट्स ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड मूवमेंट अलॉन्ग कर्व जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है होगा तो मैं शायद जो ग्राफ समझाने के लिए एक अलग अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा चैप्टर के साथ नहीं कराऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ आए जैसे कि मैंने चैप्टर क्लास नाइन में किया था ठीक है सम्स बताने के लिए एक अलग वीडियो छोटा सा बनाया हुआ है प्ले में जाकर देखिएगा आपको मजा आएगा ठीक है चैप्टर टू आता सप्लाई आता लॉ ऑफ सप्लाई डिटर्मिनंट्स ऑफ सप्लाई क्या क्या है डिमांड सप्लाई इज ऑलमोस्ट द सेम ठीक है ज्यादा मुश्किल होगा नहीं आपको पढ़ने में यहाँ पर भी, भी कर वे यहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई है ठीक है अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जब मैं कवर करूँगा तो प्लीज ध्यान से आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट क्या है क्योंकि दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट चैप्टर थ्री इज अ बिट कन्फ्यूजिंग अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हो तो जैसे इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी एक से दो वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है अगर वो डिफरेंस आप नहीं स्पॉट कर पाए देन यू आर गॉन ठीक है यू गेट अ जीरो अंडा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ वेरी इजी चैप्टर आता आईसी में आपको मिस आप मिस नहीं कर सकते इजी है लैंड लेबर इकोसिस्टम जो भी क्या क्या है रिस्पॉन्सिबल आपको आइडिया हो जाएगा उसमें कोई डरने की बात नहीं है ठीक है लैंड लेबर वगैरह जो भी है बहुत इजी इजी चैप्टर है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको बस ये बताना है कौन सा चैप्टर पहले मैं करूँ ठीक है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा विथ चैप्टर शुड आई स्टार्ट विथ ओकेल डू दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या कैपिटल आंट्रप्रेनियर्स में क्या क्या बात होती है क्या क्या इस बुक में बात बात किया गया या फिर क्या क्या पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ सकता है हम लोग उस पर ज़्यादा करके फोकस करेंगे कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन आंट्रप्रनियर वगैरह फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पेटिव मार्केट मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ नेचर ऑफ मार्केट ठीक है मुनापसनी मार्केटोलीगोपोली मार्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कंपेटेटिव मार्केट जो क्या सीन है यहाँ पे क्या होता है आपको बस डिटेल स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि क्लास टेन है दिस इज नॉट क्लास नाइन कि जैसे ही तैसे निकल जाए ठीक है एंड फिर आता आपका state, taxation, policy, है आपका रोल ऑफ स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट टैक्सेशन इंट्रोडक्शन वगैरह पब्लिक एक्सपेंडिचर मॉनिटरी पॉलिसी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर एट आता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड देयर प्राइवेटाइजेशन इसमें क्या क्या सीन आप देख सकते हो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर रोल ऑफ प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर एंड प्रॉब्लम्स इन प्राइवेट सेक्टर्स ठीक है ईजी चैप्टर है दो पार्टी है, कोई दिक्कत होगा नहीं मनी इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाटर सिस्टम मनी इन्फ्लेशन आपको पता ही है पैसे क्या चीज़ है तो उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं बात करेंगे इस चैप्टर में ठीक है एंड देन बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग सेंट्रल बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग के बारे में बात करेंगे कंट्री में सिर्फ कमर्शियल और सेंट्रल बैंक ही होता है ठीक है तो जो भी हम लोग इसमें बात करेंगे एंड देन केस स्टडीज वगैरह ये तो नहीं है बट हाँ हम लोग उसके बाद जब जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग पेपर्स सॉल्व करेंगे ठीक है ताकि आपको और ईजी हो एंड यू गेट यूज टू वॉट एक्चुअली आई सी सी में क्या किस तरह क्वेश्चन आते हैं ठीक है सो दिस वॉज दिस वॉज द कम्प्लीट वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट स्टे ट्यून फॉर द चैप्टर्स टू कम क्लास नाइन के प्लेलिस्ट के मतलब क्लास नाइन अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई आपका क्लास नाइन का फ्रेंड है तो प्लीज़ डू शेयर आर वीडियोज एंड टेंथ की बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सो प्लीज़ वेट एंड We'll have fun. Okay. So stay home. Stay safe. God bless you. Bye.